2024 की नीलामी में क्या रहेगी, सभी 10 टीमों की ऑक्शन स्ट्रेटजी बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले मुंबई इंडियंस की ऑक्शन स्ट्रेटजी के साथ। मुंबई के पास दोस्तों इस समय बैलेंस पर्स के रूप में 17.7 करोड़ रुपए नीलामी में रहने वाले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत इस समय मुंबई इंडियंस के पास है वो ये है कि मुंबई को अभी भी अपनी स्क्वाड में 8 खिलाड़ियों के स्लॉट्स को भरना है, 8 प्लेयर्स इन 17 करोड़ रुपयों में खरीदना है, जिसमें से इन्हें 3 विदेशी प्लेयर्स के स्पॉट्स को भी भरना है। जो रिटेंशन की प्रोसेस हुई थी इसमें इन्होंने अपने बड़े बड़े विदेशी पेसर्स को बाहर किया था। पहली स्ट्रेटेजी इनकी साफ है, इन्हें विदेशी पेसर चाहिए ही चाहिए भाई, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आर्चर चले गए, जॉर्डन चले गए, मेरेडिट चले गए, इनके पास ले देकर जेसन बेरेंड्रॉप बचे हुए हैं। और बुमराह के साथ प्लेइंग 11 में एक ऐसा बड़ा विदेशी तेज गेंदबाज अगर इनको मिल गया जो अच्छा प्लेयर बना सके, तो इंडियन प्लेयर्स तो इनके पास ऊपर बहुत अच्छे हैं। दैट्स व्हाई पहली स्ट्रेटेजी क्लियर है, या तो कमिंस मिल जाए, या स्टार्क मिल जाए, या कॉट्जी मिल जाए, या फिर मिल जाए फर्ग्यूसन, एक बड़ा पेसर तो मुंबई लेने वाली है। दूसरी स्ट्रेटेजी मुंबई इंडियंस की यह है दोस्तों, इनका लो बजट है लेकिन इन्हें एक ऑलराउंडर भी चाहिए है अगर हार्दिक पांड्या फिट नहीं हुए, क्योंकि रिपोर्ट अच्छी नहीं है पांड्या को लेकर, हो सकता है इस साल का आईपीएल मिस करना पड़ जाए पांड्या को। तो ऐसी स्थिति में इनको एक ऑलराउंडर भी चाहिए है जो कि हो सकता है मीडियम पेस ऑलराउंडर डैनियल मिचेल की तरह हो या रचिन रविंद्र हो, तो ये उसके पीछे भी जाएंगे। और शार्दुल ठाकुर के ऊपर स्पेशल बिडिंग ये लोग करने वाले हैं, क्योंकि शार्दुल ठाकुर इस नीलामी के सबसे डिमांडिंग इंडियन प्लेयर है, और अगर किसी भी टीम में ठाकुर गए तो बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कम से कम आईपीएल में। तो एंड दैट्स व्हाई ये दो तीन बड़ी स्ट्रेटेजी है जिस पर मुंबई इंडियंस की टीम चलने वाली है। कितनी सफल होगी ये आप बताना कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मुंबई इंडियंस के बाद, अब गुजरात टाइटंस की टीम की बात कर लेते हैं। दोनों के बीच पिछले एक महीने में मुंबई और गुजरात के बीच बहुत कुछ घटा है, लेकिन इसका फायदा किसको हुआ ये तो नीलामी में पता लगेगा, क्योंकि गुजरात के पास है 38 करोड़ का बैलेंस पर्स, सिर्फ 7 खिलाड़ी इन 38 करोड़ में लेने हैं गुजरात को, और 2 से ज्यादा विदेशी प्लेयर नहीं ले सकती गुजरात की टीम, ऑलरेडी इनके पास 6 है। मतलब गुजरात के पास बहुत स्कोप है नीलामी में, रीजन इज क्लियर, इन्होंने हार्दिक पांड्या को डील में ट्रेड कर दिया था, तो हार्दिक पांड्या के 15 करोड़ रुपए इनके बैलेंस पर्स में ऐड हुए। पहली स्ट्रेटजी इनकी साफ है, ये हार्दिक पांड्या का एक रिप्लेसमेंट, एक विकल्प ढूंढेंगे, या तो कोई इंडियन विकल्प मिल जाए भाई, या फिर एक विदेशी विकल्प मिल जाए। इंडियन विकल्प है नहीं, ले देकर आप शार्दुल ठाकुर की तरफ देखेंगे जो हल्की फुल्की बल्लेबाजी कर सकते हैं, अदरवाइज ये फिर रचिन रविंद्र की तरफ भी देख सकते हैं, ये डैरिल मिचेल की तरफ भी देख सकते हैं, ये जेसन होल्डर की तरफ भी देख सकते हैं, एक बड़ा विदेशी ऑलराउंडर तो आने वाला है भैया गुजरात की टीम में। दूसरी स्ट्रेटजी है गुजरात टाइटंस की दोस्तों, मोहम्मद शमी के साथ एक तेज गेंदबाज लाना है जो कि पेयर में गेंदबाजी कर सके। शमी तो बहुत तगड़े, उनके साथ कौन गेंदबाजी करेगा, या तो भैया कोई इंडियन बड़ा विकल्प हो जैसे कार्तिक त्यागी, हर्षल पटेल या उमेश यादव, या फिर विदेशी विकल्प भी बहुत है जैसे कमिंस हो गए, स्टार्क हो गए, तो एक बड़ा गेंदबाज, तेज गेंदबाज आने वाला है, क्योंकि इनके पास विदेशी स्पॉट्स बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये इंडियन तेज गेंदबाज पर फोकस करने वाले हैं। गुजरात कितनी सफल होगी कमेंट बॉक्स में बताना, गुजरात के फैन हो वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना लाइक का बटन नीचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं गुजरात के बाद, अब बात करते हैं दिल्ली की, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो भैया नीलामी की एक एक अपडेट, पल पल की खबर, कौन कहां कितने में क्यों बिक गया, सारी डिटेल्स सबसे पहले आपको बताएंगे। सब्सक्राइब का बटन नीचे भाई फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि आप हर साल देख रहे हैं और इस साल भी आप देखेंगे कि नीलामी का पूरा मजा तो मिलेगा भाई हमारे चैनल माय क्रिकेट प्रोडक्शन पर। चलिए अब दिल्ली की ऑक्शन स्ट्रेटेजी फटाफट देख लेते हैं। 28.9 करोड़ रुपए दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बैलेंस पर्स में ठीक ठाक बैलेंस पर्स है। टोटल 9 खिलाड़ियों को दिल्ली को खरीदना है और 4 विदेशी प्लेयर्स के स्पॉट भी इस समय दिल्ली कैपिटल्स के पास बचे हुए हैं। देखो यार, दिल्ली ने अपने जो बड़े विदेशी प्लेयर्स थे जैसे वार्नर हो गए, मिचेल मार्श हो गए, नॉटजी हो गए, इनको तो रिटेन कर रखा ही रखा है, लेकिन इन्होंने एक स्कोप क्रिएट किया है एक बड़े ऑलराउंडर को लेने का, क्योंकि इनके पास विदेशी स्पॉट है, ये एक बड़ा ऑलराउंडर लेने वाले हैं भाई, या तो वो डैरिल मिचेल हो सकता है या रचिन रविंद्र हो सकता है, इंडियन ऑप्शंस में या शार्दुल ठाकुर के पीछे जा सकते हैं। इनका फोकस नीलामी में ऑलराउंडर रहेगा, और शार्दुल ठाकुर वैसे तो आप 100% पूरा ऑलराउंडर उनको बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ आपको नीचे से थोड़ी बहुत बल्लेबाजी प्रोवाइड कर सकते हैं शार्दुल ठाकुर, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस नीलामी के हॉट पिक शार्दुल ठाकुर है, क्योंकि दिल्ली को वो इंडियन प्लेयर की भी खुशबू आ रही है शार्दुल ठाकुर में से, और थोड़ा बहुत वो ऑलराउंडर का रोल भी निभा सकते हैं, उसके अलावा विदेशी ऑलराउंडर भी दिल्ली की रडार पर रहेंगे।
ऑल्दो दिल्ली की स्क्वाड कंप्लीट दिख रही है, ये जो प्लेयर्स दिल्ली खरीदेगी इसमें मोस्टली डोमेस्टिक प्लेयर्स होंगे और कुछ एक दो तीन बड़े विदेशी या भारतीय नाम रहने वाले हैं। मेरे हिसाब से दिल्ली की स्ट्रेटजी ये रहेगी, आपकी क्या रहेगी कमेंट बॉक्स में बताओ। आपके हिसाब से दोस्तों दिल्ली क्या सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदने वाली है इस नीलामी में, अपनी राय लिखना। दिल्ली के फैन हो, लाइक नहीं किया तो कर देना लाइक का बटन नीचे। दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की बात कर लेते हैं। इस नीलामी में सबसे कम 13 करोड़ रुपयों का बैलेंस पर्स लखनऊ के पास है। इन 13 करोड़ रुपयों में लखनऊ की टीम को 6 खिलाड़ियों के स्लॉट्स को भरना है, जिसमें से दो बड़े विदेशी प्लेयर्स भी लखनऊ वालों को खरीदने हैं। तो लखनऊ वालों के लिए मेहनत काफी है क्योंकि पर्स में पैसा इतना नहीं है। जाहिर है इन्होंने जो प्लेयर्स को रिलीज भी किया था वो बहुत सस्ते सस्ते खिलाड़ियों को रिलीज किया था, इसलिए इनका बैलेंस पर्स उतना नहीं है। एंड उसी की वाइस वर्सा ये नीलामी में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं खरीद पाएंगे, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो विदेशी हो। अगर ये खरीदेंगे भाई तो सस्ते प्लेयर 2-3-5 करोड़ से ज्यादा का नहीं खरीद सकते। एक चीज जो पहली स्ट्रेटेजी इनके साथ है, ये बल्लेबाज खरीदने के लिए जाने वाले हैं। एक ऐसा बल्लेबाज जो कि इंडियन हो और थोड़ा बहुत सपोर्ट दे दे, वो इनकी पहली स्ट्रेटेजी है। दूसरी स्ट्रेटेजी है आवेश खान की, एक इंडियन रिप्लेसमेंट। कार्तिक त्यागी भी हो सकते हैं, हर्षल पटेल भी हो सकते हैं। तो दूसरी स्ट्रेटेजी दोस्तों इनकी ये रहेगी, और एक ऑलराउंडर मिल जाए अगर सस्ते रेट में मिल रहा हो तो। ये तीन बड़ी स्ट्रेटजी लखनऊ की रहेगी। लखनऊ के पास ज्यादा कुछ है नहीं स्ट्रेटजी बनाने के लिए, क्योंकि जब स्ट्रेटजी बनाई जाती है जब आपकी जेब में पैसा हो। लखनऊ के पास बैलेंस पर्स ना के बराबर है। नीलामी में बहुत बड़ा कुछ लखनऊ कर दे ये मैं नहीं मान सकता। बाकी इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। हाँ, एक चीज जरूर प्रेडिक्ट कर सकते कि 1-5-6 करोड़ का बड़ा प्लेयर विदेशी या भारतीय लखनऊ लेने वाली है और वो तेज गेंदबाज होने वाला है। तो भैया लखनऊ के लिए लाइक नहीं किया तो कर देना लाइक अगर आप भी लखनऊ के फैन हो तो। आगे बढ़ते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बाद, अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की। जिस तरह से लखनऊ के पास ज्यादा कुछ नहीं था उसी तरह से राजस्थान के पास भी ज्यादा कुछ नहीं है। 14 करोड़ का बैलेंस पर्स है, 8 स्लॉट्स भरने टोटल और मैक्सिमम 3 विदेशी प्लेयर्स ये लोग खरीद सकते हैं 8 में से। तो जाहिर है राजस्थान के पास भी प्लेयर्स बहुत सारे लेने हैं, इनको 3 विदेशी भी लेने हैं और मात्र 14 करोड़ रुपए है। तो राजस्थान भी बहुत सारे हाथ पैर नहीं मार सकती। हाँ, एक जो पहली स्ट्रेटेजी है जो इनके हवाले से आई है, ये एक ऑलराउंडर पर श्योर बिडिंग करने वाली है। ये ऑलराउंडर दोस्तों बीच में नंबर 5 नंबर 6 में आएगा। डैरल मिचेल भी वो हो सकता है, जेसन होल्डर भी वो हो सकता है। तो पहली बिडिंग तो इनकी ये होने वाली है। दूसरी बिडिंग है दोस्तों कि ये शार्दुल ठाकुर के पीछे जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं शार्दुल ठाकुर हॉट पिक है क्योंकि वो बैलेंस किसी भी टीम को प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको नीचे से 4 ओवर की गेंदबाजी देते हैं और बल्लेबाजी देते हैं, तो ऐसा प्लेयर बहुत कम आता है और इंडियन प्लेयर है। तो इनके पीछे जाएंगे, खरीद पाएंगे या नहीं मुश्किल है, पैसा नहीं है इनके पास। और तीसरी है ये एक बल्लेबाज लेंगे, ये विदेशी बल्लेबाज भी हो सकता है, ट्रेवियस हेड भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो रूट चले गए हैं हेटमायर बहुत इनकंसिस्टेंट है। अगर नंबर 3-4 पर हेड आ गए तो ये बहुत कंप्लीट टीम हो जाएगी। दैट्स वाई भैया ये इनकी स्ट्रेटजी रहने वाली है। पडिकल को इन्होंने ट्रेड कर बाहर कर दिया है तो वहां पर ये थोड़े से परेशान होंगे, लेकिन एक बड़ा विदेशी बल्लेबाज इनके पास आने वाला है, एक ऑलराउंडर आने वाला है। किन किन को खरीदेगी राजस्थान की टीम बताना जरूर कॉमेंट बॉक्स में। राजस्थान के फैन हो, लाइक नहीं किया तो कर देना भाई लाइक का बटन नीचे ही है। राजस्थान रॉयल्स की टीम के बाद आगे बढ़ते हैं, पंजाब किंग्स की टीम की बात कर लेते हैं। 29.1 करोड़ रुपए का इनके पास बैलेंस पर से, लगभग 30 करोड़ का टोटल 8 स्लॉट भरने हैं और मैक्सिमम ये 2 विदेशी से ज्यादा नहीं खरीद सकते। पंजाब ने अपने मोस्टली प्लेयर्स को रिटेन रखा था, 1-2 बड़े प्लेयर्स को बाहर करने के बाद इनका बैलेंस पर्स अभी भी 30 करोड़ का है। तो पैसा है पंजाब के पास, पिछले साल का भी काफी पैसा इनके बैलेंस पर्स में बचा हुआ था, वो भी ऐड हुआ है। तो भैया इनकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली, एक बड़ा बल्लेबाज इंडियन तो है नहीं, वो विदेशी होगा, हो सकता है वो ट्रेवियस हेड हो, क्योंकि देखो ओपनिंग इनकी शॉर्टेड है, धवन के साथ बेस्ट्रो आ रहा है, नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 ये जो पोजीशन से, यहां पर इन्हें बड़ा बल्लेबाज चाहिए ताकि वो इनिंग को कंस्ट्रक्ट कर सके। एंड हेड वो विकल्प लगते हैं जो कि मिडिल ऑर्डर को सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों पंजाब की पहली स्ट्रेटेजी है कि ये ट्रेवियस हेड के पीछे, बड़े विदेशी बल्लेबाज के पीछे जाने वाले हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी है दोस्तों कि ये एक इंडियन पेसर जरूर लेंगे जो अर्शदीप सिंह और रबाडा के बीच में फिट हो सके। शार्दुल ठाकुर तो इनकी रडार पे होंगे ही क्योंकि वो नीचे से बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर ठाकुर नहीं मिले तो कार्तिक त्यागी भी हैं, हर्षल पटेल भी हैं, तो इंडियन पेसर है और पंजाब उन पर बोली लगाएगी। कमलेश नागरकोटी भी है और पंजाब वहां से अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगी। स्पिनर भी इनकी नीड है, लेकिन ऑलरेडी इनके पास लिविंग स्टोन है, ऑलरेडी इनके पास राहुल चहर है, तो वहां पर मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा पंजाब हाथ पैर मारेगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये 2 मेजर स्ट्रेटेजी, एक बड़ा विदेशी बल्लेबाज आ जाए या भारतीय बल्लेबाज है नहीं, अगर आ जाए तो वो बीच में मिडिल ऑर्डर में, और
और पेसर आ जाए। अब देखते हैं क्या होता है, पंजाब किंग्स की स्ट्रेटेजी क्या सही साबित होगी, कमेंट बॉक्स में बताना। पंजाब के फैनों लाइक नहीं किया है तो कर देना लाइक का बटन नीचे, और बताना जरूर क्या इस साल भी पंजाब सबसे महंगा प्लेयर खरीदने वाली है, और अगर हाँ तो किसे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पंजाब किंग्स की टीम के बाद अब बात कर लेते हैं कलकत्ते की टीम की। लगभग 32 करोड़ का बैलेंस पर्स है कलकत्ते की टीम के पास, टोटल 12 खिलाड़ी कलकत्ते को खरीदने हैं और 4 विदेशी प्लेयर इन 12 में से रहेंगे। मतलब साफ है कि केकेआर की टीम को संख्या बल के हिसाब से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बेशक वो बैलेंस पर्स आपको 32 करोड़ का लग रहा है, लेकिन भाई 32 करोड़ में 12 प्लेयर भी खरीदने इतना इजी नहीं रहने वाला इंडियन प्रीमियर लीग में। औसतन आप 3 करोड़ से महंगा कोई एक खिलाड़ी नहीं खरीद सकते। खैर इनकी हिटलिस्ट क्या है वो देख लेते हैं। तो पहली स्ट्रेटेजी, पहली हिटलिस्ट इनकी साफ है, ये पेसर के पीछे जाएंगे। इनके पास पेसर के रूप में कुछ नहीं बचा है, ठाकुर चले गए, फर्ग्यूसन चले गए, साउथी चले गए, तो इनको तो पेसर चाहिए ही चाहिए है। इंडियन पेसर भी इनको चाहिए है, विदेशी पेसर भी चाहिए, 2 बड़े विदेशी पेसर शायद कमिंस स्टार्क वो होंगे, 1 बड़ा भारतीय पेसर शायद हर्षल पटेल होंगे। तो केकेआर शॉर्ट पेसर के पीछे तो जाने ही वाली है, क्योंकि इनके पास पेसर बचे नहीं है। दूसरी है भैया कि इनको एक बड़ा बल्लेबाज भी चाहिए है और एक बड़ा ऑलराउंडर भी चाहिए है। ऑलराउंडर की इनकी सूची में रचिन रविंद्र का नाम है, जो कि भविष्य तक के लिए इनके प्लान में है, और बल्लेबाज की इनकी सूची में ट्रेवियस हेड का नाम है, क्योंकि इनके पास 4 विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट बचे हुए हैं। इनके पास मौका है बड़े बड़े विदेशी प्लेयर्स पर बोली लगाने का। अगर ये भाई विदेशियों पर ज्यादा बोली लगाते हैं तो फिर ये इंडियंस ऐसे खरीदेंगे जो कि बहुत सस्ते हो, लोकल लेवल के डोमेस्टिक खिलाड़ी। देखते हैं केकेआर की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, केकेआर को बैलेंस कर चलना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ बड़े खिलाड़ी केकेआर खरीद सकते हैं, और इस नीलामी का सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदने की ताकत केकेआर रखती है। होगा या नहीं ये तो आप बताना कमेंट बॉक्स में। केकेआर के फैनों लाइक नहीं किया है तो कर देना भाई लाइक का बटन नीचे, और बताना केकेआर किसे खरीदेगी, किस पर सबसे ज्यादा पैसा लगाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की। हैदराबाद के पास 34 करोड़ रुपए नीलामी में खर्च करने के लिए है और टोटल 6 स्लॉट्स हैदराबाद को भरना है। आपको बता दूं दोस्तों, हैदराबाद इस समय बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है। इन 6 में से 3 ओवरसीज प्लेयर्स भी हैदराबाद खरीद सकती है, तो कुल मिलाकर हैदराबाद सबसे कंफर्टेबल है। 34 करोड़ में मात्र 6 खिलाड़ी खरीदने हैदराबाद को, और 3 बड़े विदेशी प्लेयर्स अगर कोई खरीद सकता है यहां से तो वो फिर हैदराबाद ही होगी। पहली स्ट्रेटेजी इनकी साफ, इनको एक बिग टिकेट ऑलराउंडर चाहिए ही चाहिए। या तो भैया वो स्पिन ऑलराउंडर में रचिन रविंद्र हो जाए, या फिर वो पेस ऑलराउंडर में आपके डैरल मिचेल हो जाए, जेसन होल्डर हो जाए, तो इनमें से तीनों पर भी बोली लगाने की स्थिति में रहेगी। दूसरी बड़ी चीज, शार्दुल ठाकुर को तो ये लेंगे, क्योंकि नंबर 7 पर स्टेबिलिटी ठाकुर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर बोल रहा हूं नीलामी में बहुत इंक्वायरी आ चुकी है, ठाकुर के पास बहुत महंगे बिकने वाले, अभी से लिख कर रख लो। और तीसरी बड़ी चीज दोस्तों की, एक जो चीज मुझे ऐसी लगती है हैदराबाद को लेकर, कि एक इंडियन पेसर लेने की कोशिश करेंगे जो भविष्य में एक रिप्लेसमेंट बन सके, माफ कीजिए इंडियन नहीं, विदेशी पेसर लेने की ये कोशिश करेंगे जो कि भविष्य में जाकर इनके लिए एक बड़ा रोल निभा सके। एक जमाने में इनके पास डेल स्टेन हुआ करते थे और वो बहुत सपोर्ट करते थे। आज की स्थिति में मार्को जेंसन इनके पास है, लेकिन अगर कमिंस आ गए, स्टार्क आ गए, तो सोने पर सुहागा होगा। तो ये हैदराबाद की स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से रहने वाली है। हैदराबाद की स्ट्रेटेजी पर इस साल चल पाएगी बताना आप कॉमेंट बॉक्स में, और हैदराबाद के फैनों लाइक नहीं किया है तो कर देना भाई लाइक का बटन नीचे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब चेन्नई सुपर किंग्स की ऑक्शन स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। 31.4 करोड़ रुपए चेन्नई के पास है, टोटल 6 खिलाड़ी लेना है, 3 विदेशी लेना है। चेन्नई भी बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है। पहली स्ट्रेटेजी इनकी क्लियर है, बेन स्टोक्स की अब रिप्लेसमेंट लानी है, या वो रचिन रविंद्र के रूप में एक स्पिन ऑलराउंडर आ जाए जो जडेजा काइंड ऑफ रोल निभा कर दे दे इनको, या फिर डैरल मिचेल आ जाए जो बहुत अच्छे फॉर्म में थे, वो भी 4 ओवर की गेंदबाजी दे सकते हैं, या जेसन होल्डर आ जाए, एक बड़ा ऑलराउंडर चेन्नई बहुत पैसे लगाने वाली है, पीछे पड़ने वाली है। तो पहली इनकी साफ स्ट्रेटेजी है। दूसरी स्ट्रेटेजी है, ये एक तेज गेंदबाज जरूर लेंगे, ये शार्दुल ठाकुर के ऊपर फिर से बोली लगाएंगे, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये कार्तिक त्यागी पर भी बोली लगाएंगे, ये पटेल पर भी बोली लगाएंगे, ये कमिंस पर भी लगाएंगे, ये स्टार्क पर भी लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने मगाला प्रिटोरियस को रिलीज किया हुआ है। तो एक विदेशी तेज गेंदबाज, एक भारतीय तेज गेंदबाज और बेन स्टोक्स की रिप्लेसमेंट, सिर्फ ये कुछ चीजें हैं जिसके अराउंड चेन्नई घूमने वाली है। ऑलरेडी इनकी स्क्वाड संपूर्ण है, इनके पास ऑलराउंडर भरे पड़े हैं, मोइन अली इनके पास है, रविंद्र जडेजा इनके पास है, दीपक चहर भी काइंड ऑफ ऑलराउंडर ही है। तो चेन्नई बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है। चेन्नई के फैन और लाइक नहीं किया है तो कर देना लाइक का बटन नीचे, और बताना जरूर चेन्नई किस खिलाड़ी को खरीदेगी और कितना पैसा देगी।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बाद अब बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की। आरसीबी के फैन हो लाइक नहीं किया है तो कर देना क्योंकि लगभग 23.25 करोड़ रुपए आरसीबी के खाते में रहने वाले हैं। टोटल 7 स्लॉट है जो आरसीबी को इन 23 करोड़ रुपयों में भरने हैं और 4 विदेशी प्लेयर्स भी खरीदने। आरसीबी थोड़ी सी रिस्की स्थिति में इस समय नीलामी में जाने से पहले नजर आ रही है। पैसा बहुत सारा नहीं है, 4 विदेशी भी लेने हैं किनको ले पाएगी बड़ी टेंशन है। पहली दिक्कत है भैया और जो पहली चीज ये स्ट्रेटेजी में लाएंगे हेजलवुड हर्षल पटेल की एक रिप्लेसमेंट। हेजलवुड की रिप्लेसमेंट के रूप में एक विदेशी तेज गेंदबाज, अगर कमिंस मिल जाए स्टार्क मिल जाए तो सोने पर सुहागा। हर्षल पटेल की एक रिप्लेसमेंट या फिर पटेल को ही फिर से आधी कीमत पे खरीदने की कोशिश, पहली स्ट्रेटेजी आरसीबी की क्लियर है। दूसरी स्ट्रेटेजी इन्हें एक स्पिन चाहिए, रचिन रविंद के पीछे लोग जाने वाले हैं क्योंकि वनिंदो हसरंगा इन्होंने रिलीज किया हुआ है तो इनके पास स्पिनर के नाम पर कुछ नहीं है। शहबाज अहमद को भी इन्होंने रिलीज किया हुआ है तो एक बड़ा स्पिनर आने वाला है और वो रचिन रविंद्र हो सकते हैं, आदिल रशीद भी हो सकते हैं, तो एक बड़ा स्पिनर तो आने वाला है। मुरुगन अश्विन पर भी ये लोग बोली लगा सकते हैं। तीसरी बड़ी स्ट्रेटेजी दोस्तों कि इनको एक मीडियम पेस ऑलराउंडर भी चाहिए होगा, हालांकि इनके पास कैमरून ग्रीन है लेकिन अगर एक भारतीय विकल्प आ गया शार्दुल ठाकुर के रूप में तो वो बहुत अच्छा हो सकता है, नीचे से इनको बहुत सपोर्ट देगा। पिछले बार आरसीबी जो कई मैचेस हारी थी वो ऑलराउंडर्स और फिनिशर की कमी के कारण हारी थी तो उस पर भी ये लोग काम करेंगे। अब देखते हैं कितना ये लोग सफल हो पाते हैं। आरसीबी के फैन और लाइक नहीं किया है तो कर देना और बताना जरूर आरसीबी किस प्लेयर पर सबसे ज्यादा पैसा लगाने वाली कॉमेंट बॉक्स में। तो ये थी भैया सभी टीमें और इनके टारगेट प्लेयर्स। अब कमेंट बॉक्स में आप बताओ इन सारी टीमों की ऑक्शन स्ट्रेटेजी में से किसकी बेहतर है, किसकी सफल होगी। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, आपको मजा आ जाएगा, नीलामी की लाइव कवरेज मिलेगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।